अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ हम प्रेस क्लब पे हैं इस वक्त। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के जो यूनाइटी वॉन्ग के रुकन कौमी असम्बली खेल साहब, क्योंकि आज इनके लिए सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा दिन है। हम इनसे पूछेंगे इनके ख्याल। देखें, आज हम समझते हैं कि जमहूरियत की फतह हुई है और नवाज़ शरीफ का जो बयानिया था, जो उसका नैरेटिव था, उनकी फतह हुई है। और जो खदशात से ये वो खदशात थे कि नवाज़ शरीफ साहब उसकी बेटी को, मरियम नवाज़ साहबा को, मुस्लिम लीग नून को 2018 के इलेक्शन से बाहर रखा जाए, वो आज दुनिया देख रही है। वो साजिश बेनकाब हो चुकी है कि सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब को हुकूमत से बाहर रखा जाए। मगर नवाज़ शरीफ साहब लीडर है और लीडर मरियम नवाज़ भी लीडर है, और इस मुल्क की अगर लीडर कोई है तो वो PMLN की क़यादत है। तो हम समझते हैं कि हम अब जो जाली मैंडेट लेकर PTI की हुकूमत आई है, उस जाली मैंडेट को भी बेनकाब करेंगे, और जो एक एक जाली वोट उसने अपने खाते में डाला है वो उनको भी बाहर निकालेंगे। क्योंकि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पार्लियामेंट कमेटी हमने जदोजहद की, वो हुकूमत ने बनाई है, और ये दांधली जुदा इलेक्शन भी आगे सबको पता लग जाएगा। ठीक है सर, अगला लाहेमल क्या होगा आप लोगों का? अगला लाहेमल हमारा यही है कि हम जो जाली इलेक्शन है, जो दांधली जुदा इलेक्शन है, उसको उसके खिलाफ़ हम अपना जदोजहद जारी रखेंगे। शुक्रिया।